बात। चलिए पहले कि राजस्थान में कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगी हुई है, तो क्वेश्चन तो नॉर्मल सा जो हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के साथ राजस्थान की जो सीमा लगती है आप जानते हैं टोटल कितने किलोमीटर लगते हैं, 1070 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। पहले राजस्थान के 4 जिले जो है वो इसमें सीमा बनाते थे, वर्तमान में थोड़ा परिवर्तन हो गया, इसमें एक जिला और रेड हो गया, वर्तमान में 5 जिले पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं। नया जिला कौन सा है? अनूपगढ़ है। नया जिला कौन सा जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? अनूपगढ़ है। अब इसी का क्वेश्चन आ जाएगा, अनूपगढ़ किस जिले से अलग होकर बना है? तो आप जानते हैं अनूपगढ़ जो है बीकानेर से अलग होकर अनूपगढ़ बना है मोटे तौर पर। तो अनूपगढ़ और इसके अलावा कौन कौन से थे? गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर, ये तो पहले बना रहे थे, अब अनूपगढ़ हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 जिले पाकिस्तान के साथ जो है सीमा बनाते हैं। दूसरा, सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, यानी राजस्थान का ऐसा जिला जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, यानी दूसरे जिलों के साथ में। इसका क्वेश्चन अगर इसे पहले अगर आप देते तो आपको याद था पाली अंतर्वर्ती जिला था जो कि सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा जो है वो साझा करते थे, वर्तमान में चेंज हो गया है, जयपुर ग्रामीण है। वर्तमान में जयपुर ग्रामीण जो है वो कितने जिलों के साथ सीमा वो है वो साझा करते हैं, सीमा बनाते हैं? तो आप कहेंगे 10 जिलों के साथ जो है सीमा बनाते हैं। इसे पहले आंसर क्या था कि राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला पाली था जो 8 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, अभी चेंज होकर क्या हो गया, जयपुर ग्रामीण सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। और ये पूछे कि सर्वाधिक कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, तो 10 जिलों के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। अगले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले किस हैं? अंतर्राज्य समझो यानी दूसरे राज्यों के साथ, तो राज्य तो चेंज हुए नहीं है। राजस्थान जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 5 राज्यों के साथ जो है राजस्थान सीमा साझा करता है। और अभी वर्तमान में टोटल अगर आपको जिले बताने हो तो वर्तमान में राजस्थान के 25 ऐसे जिले हैं जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा जो है वो साझा करते हैं। नए जिलों में आपको याद होगा कौन कौन सी, ठीक है, कौन कौन सी, दीघ है वो साझा करने लग गया है जो नया जिला बना है, दीघ साझा करता है, हेरबल वाला जिला जो है वो साझा करता है, नीम का थाना जो बना है, कोटपुतली वाला जिला जो बना है वो भी सीमा जो साझा करता है, टोटल हो जाएगा 25, ठीक है। इसमें याद रखना आप एक चीज, तो थोड़ा सा चीजों को समझो, देखो 25 जिले ऐसे हैं जो सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, प्लस 5 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, लेकिन आपको अभी भी याद, ये टोटल कितने जिले हो गए? 30 हो गए। लेकिन एक चीज अभी भी याद रखनी है, क्योंकि पहले हम पढ़ते थे कि अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, 2, अभी भी सेम है, याद रखो, एक तो गंगानगर जो पंजाब के साथ सीमा बनाता है प्लस पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, एक है बाड़मेर जो कि पंजाब के साथ सीमा पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है प्लस गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो गंगानगर बाड़मेर 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्य अंतर्राष्ट्रीय दोनों बनाते हैं, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन हो गया, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 25, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 25, लेकिन यही क्वेश्चन पूछूं कि राजस्थान के से कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो हमारा आंसर 30 नहीं होगा, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, क्योंकि इन 5 में से और इन 25 में से गंगानगर बाड़मेर दोनों में काउंट किया हमने, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों बनाते हैं। अगर ये पूछे कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो आप 2 कम कर दो, तो अब आप कहें केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 23 है। यहां पूछे कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 3 है, क्योंकि 2 जिले जो हैं गंगानगर बाड़मेर वो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी किसी दूसरे देश के साथ भी और किसी राज्य के साथ भी सीमा साझा करते हैं। तो भूल मत जाना, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कितने, 25, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने, 5, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 23, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 3, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले 2 जिले हो गए। अब पूछूं मैं आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य, ठीक है, टोटल कितने जिलों की साझा लगती है, तो आप कहेंगे 28, वर्तमान में जिले कितने टोटल 50, तो कितने रहेंगे 22, तो 22 जिले कौन से हैं, अंतर्वर्ती जिले, यानी राजस्थान के से कितने जिले हैं जो किसी दूसरे देश के साथ या किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, तो 22 जिले अंतर्वर्ती जिले हैं जो किसी दूसरे देश के साथ सीमा भी नहीं बनाते, किसी राज्य के साथ नहीं बनाते, पहले ये 8 ही हुआ करते थे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिले अंतर्वर्ती जिले हैं, हो गया, हमने पढ़ा था 22 जिले अंतर्वर्ती हैं जो किसी दूसरे देश के साथ किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, और ऐसे कितने जिले हैं जो किसी दूसरे देश के साथ किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, तो वो हो जाएंगे 28, और टोटल कितने हैं, 50 जिले हैं। ओके, अगला है कि अंतर्राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य यानी किसी दूसरे राज्य के साथ और किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो बड़ा आसान आपके लिए, कितने भी 28 ऐसे जिले हैं जो किसी दूसरे देश या किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर है वर्तमान में, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो पहले भी जैसलमेर बड़ा था, अभी जैसलमेर बड़ा है, पहले धौलपुर छोटा हुआ करता था, अभी दूदू सबसे छोटा जिला हो गया, याद रखना, सबसे छोटा कौन सा है, दूदू है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 है। राजस्थान का जिलों के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, यानी राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले हैं, तो भारत में कौन सा स्थान, 1 नंबर पर यूपी आता है, 2 पर एमपी आता है और 3 पर आता है राजस्थान, यानी जिलों के मामले में सर्वाधिक जिलों के मामले में राजस्थान जो है वर्तमान में कौन से स्थान पर है, 3रे स्थान पर है, तो सी कर दो राइट आंसर। अच्छा, राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है, यानी नए जिलों के गठन होने के बाद में सबसे ज्यादा तहसील जो है वो कहां पर है, उदयपुर, कितनी तहसीलें, 16, याद रखना सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा, उदयपुर है, और कितनी तहसील है उदयपुर में, सबसे ज्यादा जो है वो कितनी है, 16 है, राइट आंसर एक है। राजस्थान में सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा बन गया, अभी नवीन गठन होने के बाद सर्वाधिक वाला तो पढ़ लिया, उदयपुर सबसे ज्यादा वाला है, उदयपुर में हम पढ़ते हैं कितनी, 16 तहसीलें हैं। राजस्थान में सबसे कम तहसील कहां पर है, दूदू में है, दूदू में कितनी तहसील, 3 तहसील है और 3 ही उपखंड है, ये भी याद रखना,
कितने उपखंड है, तो तीन उपखंड है और तीन तहसील है, तो तीन तहसील हो गई। सबसे कम तहसील वाला जिला कौन सा बन गया, दूदू बन गया। सबसे छोटा कौन सा है, वो भी दूदू है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीन। अच्छा सबसे कम तहसील वाला जिला, ठीक है, तीन तहसील दूदू में है, दोसा में भी तीन है, दोनों दूदू में, तो राइट आंसर आपका दो हो जाएगा, सही, ये रहो दो आपका सही है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है, ये तो बता दो, अंतर्राष्ट्रीय तो पढ़ा था मैंने भी, कितने भी, पांच है, कौन कौन से हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और नया वाला कौन सा हो गया, अनूपगढ़ हो गया। वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है, तो पहले कितने थे, सात है, वर्तमान में कितने हो गए, दस संभाग है वर्तमान में राजस्थान में। अगर आपको बताना हो कि भाई नए संभाग कौन कौन से बने, तो बता दोगे क्या, आम ऐसे अगर आपको बताना हो कि नए संभाग कौन कौन से बने हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा, सीकर नया समाज बना है, पाली नया समाज बना है और बांसवाड़ा। अब इसी क्वेश्चन का नया क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा नवीन गठित संभाग नहीं है, तो तीन ऑप्शन ये हो जाएंगे, सीकर, पाली, बांसवाड़ा और नया कोई और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो याद रखना वर्तमान में दस संभाग है, पहले कितने थे, सात, नए कितने बने हैं, वर्तमान में राजस्थान में कितने नए संभाग बने, तीन, नए कौन कौन से हैं, सीकर है, पाली है और बांसवाड़ा है। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, सबसे ज्यादा जिले जो है वर्तमान में किस संभाग में आते हैं, बताओ, ठीक है, सर्वाधिक जिलों वाला राजस्थान में संभाग कौन सा है, जयपुर में सबसे ज्यादा है या बीकानेर में ज्यादा है या बांसवाड़ा में ज्यादा है या भरतपुर में ज्यादा है, ठीक है, तो राइट, तो सबसे ज्यादा कहां पर है, जयपुर में, सबसे ज्यादा कहां पर है, जयपुर में। और जयपुर के अलावा अगर आपको बताना हो कि कोई और संभाग अगर आपको याद हो जिसमें सर्वाधिक जिले हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर, जयपुर के साथ आप ले लीजिए अजमेर, जयपुर अजमेर में साथ साथ है, सात जयपुर में है, सात अजमेर में है, दोनों याद रखना, जयपुर है और जयपुर के साथ अजमेर भी, दोनों में सात सात जिले हैं। अच्छा सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है, सर्वाधिक वाला पढ़ लिया, सबसे ज्यादा वाला पढ़ा था जयपुर, जयपुर में सात जिले, अजमेर, अजमेर में भी सात जिले आते हैं, सबसे छोटा है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में कितने जिले हैं, तीन है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और प्रतापगढ़ ऐड हो गया है, तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है जयपुर और सबसे कम जिलों वाला संभाग है बांसवाड़ा। राजस्थान के किस संभाग से कर्क रेखा गुजरती है, ये तो आप जानते हो, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है और दक्षिण भाग डूंगरपुर बांसवाड़ा से, और डूंगरपुर बांसवाड़ा किस संभाग में आते हैं, बांसवाड़ा संभाग में, तो किस संभाग से, बांसवाड़ा संभाग से। राजस्थान के कितने जिले किसी भी राज्य या देश के साथ सीमाएं नहीं छूते, यानी अंतर्वर्ती जिले जो किसी दूसरे राज्य की सीमा नहीं बनाते, तो आप जानते हैं 22 जिले ऐसे हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों के साथ, तो राज्य तो उतने रहेंगे, अभी भी पांच राज्यों के साथ सीमा लगती है, सबसे ज्यादा सीमा तो लगती है मध्य प्रदेश के साथ, एमपी के साथ सबसे ज्यादा है और सबसे कम जो है वो पंजाब के साथ जो है सबसे कम सीमा लगती है। सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा गांव राजस्थान में जो है वो कौन सी जिले में, श्रीगंगानगर में है, तो राइट आंसर आपका एक है। ओके सबसे कम गांव वाला जिला कौन सा है, ये भी आसान से जाता है, सिरोही में सबसे कम गांव है। नवीनतम जिला अनूपगढ़ किस जिले से अलग होकर बना है, अगर आपको एक इनमें से कहें तो वैसे नवीनतम अनूपगढ़ जो बना है किस जिले से अलग होकर बना है, ठीक है, तो क्या आंसर करें, गंगानगर, ठीक है, क्या हो जाएगा, गंगानगर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक। अच्छा इसमें परिवर्तन क्या आया है, अगर आपको परिवर्तन बताना हो तो एक मेन जगह श्री विजयनगर जो है वो अभी अनूपगढ़ में आता है, याद रखना है, ठीक है। एक रायसीनगर प्रसिद्ध है, वो भी किस में आता है, अनूपगढ़ में आता है। अगला एक इनमें से कौन सी तहसील अनूपगढ़ में नहीं है, ये तो बता दोगे आप, छत्तीसगढ़ अनूपगढ़ में शामिल है, अरावला भी है, रायसीनगर भी है, सिंदरी नहीं है, अभी सिंदरी अभी तो नया जिला बना है, बालोतरा, याद रखना बालोतरा में है, सिंदरी जो है ये राजस्थान में कहां पर, अभी बालोतरा में आती है, नए जिले में, तो ये तहसील नहीं है। तो इसमें अनूपगढ़ में छह तहसीलें आती हैं, ठीक है, अनूपगढ़ है, रायसीनगर है, विजयनगर है, रावला है, छत्तीसगढ़ है, खाजवाला भी उसी में अनूपगढ़ में आता है, और गरसाना सात है। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला कि पचपदरा जो है किस जिले में है, ये भी बता देंगे, पचपदरा खारे पानी की झील है, ठीक है, खारे पानी की प्रसिद्ध झील है, ये बाड़मेर में है, लेकिन वर्तमान में कहां पर आ गई है, बाड़मेर जिले में थी, ये बदल के भी बालोतरा में हो गई है, तो पचपदरा जो है बालोतरा जिले में आती है, खारे पानी की झील है इसी, ठीक है, बी आपका सही है। अगला है गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है, गणेश्वर सभ्यता आपने पढ़ी है, ठीक है, ये कांतली नदी के किनारे पे है, जो कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, और आर सी अग्रवाल थे, रतन चंद्र अग्रवाल जी, जिन्होंने इसकी खोज की थी, यहाँ से हमें तांबे के तीर मिले हैं, पत्थर का बना मकान मिला था, पत्थर के बने बांध मिले थे, जहर लगे हुए यानी विष लगे हुए तांबे के तीर मिलते हैं, इसे तामिलगिनी सभ्यताओं की जननी कहते हैं, पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं, ये सीकर में थी, वर्तमान बदल के नीम का थाना, नीम का थाना सीकर से अलग हुआ है, तो वर्तमान में जो गणेश्वर सभ्यता आती है वो नीम का थाना में आती है, एक आपका सही है। चूरू जिला किस संभाग में, ये थोड़ा बदल गया, चूरू पहले बीकानेर संभाग का हिस्सा करता था, अभी नया संभाग जो सीकर बना है, चूरू अभी कौन से संभाग में है, सीकर में है। सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो आप जानते हैं बांसवाड़ा वाला सबसे छोटा संभाग आता है, राइट आंसर आपका बी है। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला नवीनतम जिला कौन सा है, ऐसा कौन सा नया जिला बना है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, तो अनूपगढ़ करता है, बी सही है। अगला है कि इतिहास प्रसिद्ध सीवाना दुर्ग वर्तमान में कहां पर है, सीवाना का किला आप जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है, ये बाड़मेर में था, वर्तमान में कहां पर आ गया, बालोतरा में है, सीवाना का दुर्ग, ठीक है, वीर नारायण पंवार ने जिसका निर्माण करवाया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सही है।
जैन विश्व भारती संस्थान कहां पर है? देखो ये तो आपको याद है, जैन विश्व भारती संस्थान पहले भी क्यों सुना था कि लारनू में है, लेकिन लारनू वर्तमान में कहां पर है? ये नागौर में है, डीडवाना में है, अजमेर में कहां पर है? तो लारनू वाले दो ही ऑप्शन आपके पास, दोनों में कहीं तो लारनू वर्तमान में जो है डीडवाना वाले क्षेत्र में है। तो जैन विश्व भारती संस्थान कहां हो गई? डीडवाना में। बी सही है। बालोतरा किस संभाग का हिस्सा? अलग बालोतरा नया जिला बना है, लेकिन ये कौन से संभाग में आता है? तो संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग का हिस्सा है। राइट आंसर आपका हो जाएगा एक है। अगर वीर तेजाजी पशु मेला राजस्थान में कहां पर बढ़ता है? तेजाजी की याद में सबसे प्रसिद्ध परबतसर में बढ़ता है, लेकिन परबतसर वर्तमान में है कहां पर? नागौर में था, ये तो आपको याद है, वर्तमान में नागौर में है कि बदल गया है? तो वर्तमान में परबतसर है, डीडवाना कूचामन जिले में आता है। तो वीर तेजाजी पशु मेला डीडवाना कूचामन जिले में बढ़ता है ये, ठीक है। यहाँ पर नागौरी नस्ल का क्रय विक्रय सबसे ज्यादा होता है, याद रखना। अगला एक खाजूवाला वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में? इसको लेकर विवाद चल रहा था, ठीक है। ये इसलिए क्वेश्चन मैंने ऐड किया है क्योंकि खाजूवाला को लेकर विवाद चल रहा है, जोरों पे भी है, इसको वापस बीकानेर में रहना है। अभी है कहां पर? अनूपगढ़ में है, वापस बीकानेर में आने के लिए संघर्ष चल रहा है। तो शायद कंट करके तौर पर नया क्वेश्चन थोड़ा हाईलाइट हो जाए, इसलिए ऐड किया था। प्रसिद्ध गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था वर्तमान में इस जगह कहां पर? गिरी सुमेल का युद्ध आपको याद है 1544 में शेरशाह सूरी और महादेव के बीच में हुआ था, जेतराण में। जेतराण ये पाली में था, ठीक है, जेतराण ये पाली में था, जहां पर प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, लेकिन जेतराण वर्तमान में कहां पर है? ब्यावर में आ गया है, ठीक है। जेतराण कहां है? ब्यावर जिले में है। राइट आंसर बी है। प्रसिद्ध कुशाल माता का मंदिर जिसका निर्माण राणा कुंभाजी ने करवाया था, बदनौर में बनवाया था, वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? बदनौर भीलवाड़ा में था, आपको याद है बदनौर भीलवाड़ा में था, जहां पर कुशाल माता का मंदिर बनवाया था। चंपारण की संधि हुई थी, गुजरात और मालवा को संयुक्त रूप से राणा कुंभाजी ने हराया था, उसी की जीत के उपलक्ष्य में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन बदनौर वर्तमान में कहां पर आ गया? ये ब्यावर में है। राइट आंसर बी है। चलिए राजस्थान का प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल कामा कहां पर है? कामा आप जानते हो ऑलरेडी, ये भरतपुर में है, लेकिन अभी नया जिला बना है डीग, तो कामा कहां पर आ गया? डीग जिले में है। तिजारा भी यहीं पर, याद रखना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, तिजारा इसमें नहीं आता, सॉरी, मैं डीग याद रखिए, डीग है या कुम्हेर वाला एरिया जो आता है ना, वो इसी के अंदर आता है। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए। सफेद मार्बल यानी संगमर के लिए प्रसिद्ध है मकराना। मकराना का संगमर विश्व प्रसिद्ध आप जानते हैं, नागौर में था, तो वर्तमान में नागौर में ही है या बदल के चेंज हो गया है? तो डीडवाना कूचामन में है ये मकराना, जो विश्व प्रसिद्ध मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि सर